तो जाहिर सी बात है कि GLA एडवेंचर हमारे लिए बहुत ख़ास है, हमारे दिल के बहुत करीब है, इसलिए हम बहुत ही खुश हैं कि नया वेरिएंट या नया जनरेशन GLA का बाज़ार में उतारा गया है। अब महामारी के चलते हम इसको आपके पास इससे पहले नहीं ला पाए, लेकिन फिर भी इन गाड़ियों के बारे में बताने के लिए आपके लिए हमारे पास बहुत कुछ है। ये है डीजल अवतार 220D। इसके दो वेरिएंट हैं, एक AMG लाइन है और एक रेगुलर कार है, ये AMG लाइन है। ये है GLA 200 यानी कि पेट्रोल। लेकिन इन दोनों के अलावा एक और बहुत ख़ास वेरिएंट है GLA का जो बाज़ार में लाया गया है, और वो आप सिर्फ कार एंड बाइक पर देख सकते हैं। मर्सिडीज AMG GLA 35 4MATIC GLA क्लास SUV का तेज रफ्तार वेरिएंट है। नई कार नामी गिरामी AMG बैज के साथ आती है, और इसके साथ GLA 45 और 45S मॉडल्स GLA की AMG रेंज पूरी करती हैं। जाहिर सी बात है, AMG होने के नाते स्टाइलिंग में भी ये शानदार है। जैसे कि मैंने कहा, हमारे बाजार में GLA की काफी बड़ी रेंज मौजूद है, लेकिन पहले हम बात करेंगे दमदार GLA 35 की। ये एक खास कार है जिसके लिए हमने एक खास जगह भी चुनी है। GLA की नई जेनरेशन का प्रोपोर्शन पिछली पीढ़ी के मुकाबले ज्यादा SUV जैसा है। देखने में ये अच्छा है, और इसका जो AMG मॉडल है वो और भी जोरदार है। किसी भी SUV का अगर आप स्पोर्टी मॉडल देखें जो ज़्यादा पावरफुल होता है, बहुत ताकतवर होता है, यूजुअली आप देखते हैं कि जो स्टाइलिंग चेंजेस या फिर मैकेनिकल चेंजेस होते हैं उस कार में, उससे वो गाड़ी थोड़ी सी ज़्यादा स्पोर्टी लगती है और SUV कम लगती है। लेकिन कहना होगा कि GLA में ऐसा नहीं है। वर्टिकल फ्रंट ग्रिल जो है टिपिकल AMG स्टाइलिंग, इसकी वजह से कार थोड़ी ज़्यादा अपराइट, थोड़ी ज़्यादा ऊंची लगती है सामने, और फिर ज़्यादा बड़े साइज़ के व्हील्स भी हैं इसमें AMG ट्रिम वाले, इसकी वजह से भी गाड़ी को एक ज़्यादा हेफ्टी लुक मिलता है। और 4MATIC टर्बो बैजिंग, 4MATIC यानी कि ऑल व्हील ड्राइव, ये भी एक SUV के लिए काफ़ी ख़ास बात रहती है। GLA 35 पर 6 रंग के विकल्प मिले हैं, और यहाँ दिख रहा पैट्रोगोनिया रेड कलर उसमें शामिल है। भारत में इस कार के साथ सामान्य तौर पर बहुत सी चीजें दी गई हैं। इस फहरिस्त में एलॉय व्हील्स से लेकर पैनोरामिक सनरूफ तक सब कुछ शामिल है। GLA के आम मॉडलों की तरह क्या इस कार में भी वो SUV वाला एहसास बहुत ज़्यादा जाहिर होना ज़रूरी है? काफ़ी लोग कहेंगे हाँ, ये एक SUV पहले और स्पोर्ट्स कार बाद में होनी चाहिए, लेकिन मेरा थोड़ा इसमें अलग विचार है। क्योंकि अगर आप सोचें तो कोई अगर एक मर्सिडीज SUV ख़रीदना चाहता है तो वो बेशक GLA 200 या GLA 220D ख़रीद सकते हैं, लेकिन जिसको एक AMG मॉडल चाहिए यानी कि परफॉर्मेंस सबसे आगे होना चाहिए और जो गाड़ी खुद चलाएंगे, पीछे नहीं बैठेंगे, उनके लिए ये कार SUV कम और स्पोर्ट्स कार ज़्यादा होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सस्पेंशन जो स्टिफ है, थोड़ा सा जो इसमें स्पोर्ट्स कार वाला फीलिंग है, राइड क्वालिटी भी थोड़ी सी हार्ड है, वो एक अच्छी चीज़ है।
जैसी मुझे उम्मीद थी कार का स्टीयरिंग उतना स्पोर्टी नहीं है, लेकिन अपना काम बखूबी करता है। अगर आपको टिपिकल मर्सिडीज बेंज वाला एहसास चाहिए तो दोबारा सोच लें। GLA 35 थोड़ी सख्त कार है और अगर आप खुद कार चलाना पसंद करते हैं तो ये आपके लिए फायदे का सौदा है। अडैप्टिव सस्पेंशन वेरिएबल डैम्पर्स के साथ इस कार पे स्टैंडर्ड है भारतीय स्पेक पर, और ये एक अच्छी बात है क्योंकि हमारे रोड कंडीशंस को देखते हुए एक स्टिफ गाड़ी में ऐसा होना जरूरी है। तो यहाँ आप इंडिविजुअल, कंफर्ट, स्पोर्ट और स्पोर्ट प्लस मोड्स को अपने तरीके से ढाल सकते हैं। कंफर्ट मोड में आप कार को बहुत आराम से चलता पाएंगे, और अगर आपको जानदार आवाज़ के साथ तेज़ रफ्तार पर कार चलानी है तो इसके लिए स्पोर्ट या स्पोर्ट प्लस मोड्स सबसे अच्छे हैं। GLA 35 में मर्सिडीज बेंज M260 चार सिलेंडर इंजन लगाया गया है, जो विदेशों में रेगुलर GLA के टॉप मॉडल यानी कि GLA 250 के साथ भी मिलता है। इस इंजन को AMG ने अपने हिसाब से ट्यून किया है, लेकिन हाँ, इसे AMG इंजन नहीं कह सकते। याद रखें, सिर्फ GLA 45 का इंजन AMG ने बनाया है, तो ताकत की यहाँ शायद आपको बारीक कमी नज़र आती है, लेकिन एक्सेलरेट करते ही कार तेज़ी से रफ्तार पकड़ती है, जिसका क्रेडिट इसके गियरबॉक्स को भी जाता है। क्योंकि ये एक AMG मॉडल है, इसकी कैबिन का ट्रीटमेंट पूरी तरह से AMG वाला ही है, तो आपको सब जगह ये रेड स्टिचिंग नज़र आएगी। लाल रंग के सीट बेल्ट्स भी दिए गए हैं और ट्रीटमेंट, कलर पैलेट, जो रंग और मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है, वो सब बिल्कुल आपको एक बहुत ही उम्दा AMG मॉडल की ही याद दिलाएगा। कैबिन में आपको सिंगल स्क्रीन लुक वाले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ डिजिटल क्लस्टर मिलेगा। इसमें मिलने वाली जानकारी के लिए दोनों को कस्टमाइज भी किया जा सकता है। बाकी मर्सिडीज कारों की तरह दोनों स्क्रीन स्टीयरिंग पर दिए टच पैड के जरिए भी चलाए जा सकते हैं। फोन कनेक्टिविटी, वायरलेस चार्जिंग और बर्मेस्टर साउंड सिस्टम भी इस कार में आपको मिलेंगे। कार के साथ इनबिल्ट सिम के अलावा मर्सिडीज मी कनेक्ट ऐप मिलता है, जो रिमोट अनलॉक या जियो फेंसिंग जैसे टेलीमैटिक फंक्शन के इस्तेमाल की इजाज़त देते हैं। बतौर AMG मॉडल कार के साथ आपको फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील और स्पोर्ट सीट्स मिलेंगी। सेफ्टी की बात करें तो यहाँ भरपूर फीचर्स कार के साथ सामान्य रूप से मिलते हैं। कोलिजन वार्निंग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, आइसोफिक्स, घुटने के लिए एयरबैग को मिलाकर सात एयरबैग, एक्टिव ब्रेक और ब्रेक असिस्ट जैसे फीचर्स कार को मिले हैं। इनके अलावा एक्टिव बॉनेट, स्टेबिलिटी कंट्रोल, एंटी लॉक ब्रेक के साथ ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन और अटेंशन असिस्ट भी कार को दिया गया है। तो एक और AMG मॉडल भारतीय बाजार के लिए, लेकिन ये A35 की तरह लोकली बिल्ट यानी कि यहाँ भारत में बनी हुई कार है। तो स्ट्रैटेजी तो बहुत ही दिलचस्प है मर्सिडीज बेंज इंडिया की तरफ से, क्योंकि दाम इन कारों के काफ़ी आकर्षक हैं। देखना होगा कितने ग्राहक ये लोकली बिल्ट AMG मॉडल्स को अपनाते हैं। जी हाँ, ये तीसरा AMG मॉडल है जिसे भारत में असेंबल किया जा रहा है। यही वजह है कि कंपनी AMG बैज वाले GLA मॉडल को 60 लाख रुपए से कम कीमत पर देश में लॉन्च कर पाई है। तो धारी किरदार के बावजूद GLA 35 की ये कीमत इसे बाजार में और भी आकर्षक विकल्प बना रही है। GLA 35 रोजमर्रा के इस्तेमाल और दमदार प्रदर्शन का बेहतरीन मिश्रण है। पूरी तरह AMG मॉडल के मुकाबले ये कार किफ़ायती है, और इससे ज़्यादा खुशी मुझे और किसी बात की नहीं है कि आयात की गई चंद कारों की जगह इसे भारत में GLA क्लास पोर्टफोलियो का एक हिस्सा बनाया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस पोर्टफोलियो में अब चार वेरिएंट हैं, GLA 200 पेट्रोल, GLA 220, GLA 220D और 220D 4MATIC जो डीजल हैं, और हाँ, ये कार मर्सिडीज AMG GLA 35।